हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जुमा था, नमाज हो गई है, उसके बाद खाला लोग बोल रही है कि हमारी भी फोटो खींच दो। मुझे अपना फोटो शूट करना था लेकिन आज बादल है तो फिर मैंने नहीं किया, तो कल मैं जल्दी खींच लूंगी। जब मेरा नहीं हुआ है तो इन्हीं का फोटो शूट कर देती हूँ, ये भी एक जरूरी काम है। खाना देख के कहाँ सालू, कहाँ सालू, जल्दी जल्दी अम्मा भी आ जाएगी खिंचाने। अच्छा, मेरा ब्लॉग बनवा, शालू को सबसक्राइब करो, अल्लाह सबको शालू को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करे अल्लाह पाक। एक की फोटो खींची आपने अम्मी की, सब आते जा रहे, हमारी भी खींचो, हमारी भी खींचो। तुम भी लिपस्टिक लगा के आई हो, तैयार हो क्या? हाँ तो नेक्स्ट डे हो गया है, कल मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया था, आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है और फोटो शूट तो बनता है। जो मैं कपड़े लेके आई थी अभी तक मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा मन अंदर से नहीं हो रहा था। कभी कभी होता ना, रेस्ट करने का मन होता है, वही वाला मूड था। तभी मैं जल्दी से रेडी हो रही थी, आउटफिट मैंने पहन लिया है पूरा, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। रेडी हो गई, इयररिंग्स पहन रही हूं, चलो जल्दी से फोटो क्लिक करके आते हैं। बाहर कोई लोकेशन देखने के लिए निकल गए, हील्स पहनी हुई थी तो सारा का हाथ पकड़ के चल रही हूँ और ये रास्ता बहुत ही अजीब था। कैसे मैं आई हूँ ये मैं ही जानती हूँ। वहां से जाने के बाद हमने एक और लोकेशन पे फोटोज खींची, वीडियोस बनाए और अभी मैंने चप्पल उतार दी है और मैं नंगे पैर आई हूँ क्योंकि हील में तो मैं गिर जाती। सैंडल में देखो कैसे मिट्टी लग गई। मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। आपका सूट भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या खा के आई हो? मेथी? हाँ, दांतों हाँ। में लगी है। अम्मी मुझे भी कोई आइडिया दो ना भाई को परेशान करने का। अभी भाई दूध चावल खा रहा था तो मैं सोच रही किचन से लाऊंगी तो शक्कर की जगह नमक डाल दूं, फिर आने का वेस्ट हो जाएगा, खाएगा नहीं। तो जाके एक बॉटल पानी डाल दो। अम्मी पीछे से जाके पानी डाल दो, गुस्सा हो जाएंगे। अम्मी कह रही है कि तुम बोलो कि शाम की चाय भाई की मैं बनाऊंगी, लेकिन वो समझ जाएगा, वो बहुत होशियार है। फिर भाभी को शामिल करना पड़ेगा, भाभी को शामिल कर रिजल्ट। ज्यादा मिर्ची नहीं, चुप रहो, इन्हीं को कर देना चाहिए, अम्मी को भी करवा दो, जवान जल जाएगी उसकी बेचारे की। मैं तो भाभी को बाहर लेके आओ और अपनी टीम में लेने की कोशिश कर, ठीक है? लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये वाले आउटफिट में फोटो क्लिक करने जा रही हूँ। तो फोटो शूट जो है वो कंप्लीट हो गया, अभी हम अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो वीडियो के बीच में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने आई हूँ। आप सबने सुना ही होगा कि पिछले 2 सालों ने जॉब मार्केट और हायरिंग को ऊपर नीचे कर दिया था, लोगों की नौकरियां गई, पे कट्स हुए और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक बात जो सबको समझ में आई वो ये है कि आप कंट्री में कहीं भी रह के काम कर सकते हो अच्छे कैंडिडेट्स को हायर करके। इसका मतलब ये भी है कि आपको जॉब आपके स्किल्स के बेसिस पे मिलनी चाहिए, मतलब प्रूव योर स्किल्स और गेट अ जॉब वाला हिसाब हो गया। और यही री लेवल बाय अनअकैडमी करता है। री लेवल इंडिया का पहला हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक सिंपल सा टेस्ट देकर अपने स्किल्स को प्रूव कर सकते हो और क्वालिफाई होने पर इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर सकते हो। और ये जॉब्स है फोन पे, ओला, क्रेड, पेटीएम जैसे और 200 मोर कंपनीज में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेस्ट जो है वो एकदम फ्री है और 10 टेस्ट से सेल्स, एचआर, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और एनालिटिक्स जैसे रोल्स के लिए हायर करवा रहे हैं। रिलेवल ने अब तक 16 करोड़ वर्ड से ज्यादा के जॉब्स डिलीवर किए हैं और फैब में 15 लाख वर्ड से ज्यादा के जॉब्स मिले हैं। इस टेस्ट के सभी राउंड ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं और जिन्होंने रिलेवल पे पहले रजिस्टर किया था उनके लिए तो क्वालिफाई करना और भी इजी हो गया है। रिलेवल ने अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को 700 से कम करके 500 कर दिया, तो अब ये टेस्ट क्वालिफाई करना और भी ज्यादा इजी हो गया है। इतना ही नहीं, आप अपने टेस्ट का डेट खुद ही डिसाइड कर सकते हो, तो ना ही इंटरव्यू के लिए कहीं जाना है और ना ही वेट करना है। फायदे सिर्फ इतने ही नहीं है, अपने कैंडिडेट्स की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए री लेवल हर महीने अपने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को गुडीज भेजता है और 3 टॉप कैंडिडेट्स को एप्पल के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। आप सिर्फ एक साइन अप दूर हो, इन सब अपॉर्चुनिटीज से एक टेस्ट आपका पूरा करियर डिफाइन कर सकता है और ये टेस्ट एकदम फ्री है। फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, आप सभी एलिजिबल हो इस टेस्ट के लिए, तो आज ही जाइए और साइन अप कीजिए। अच्छा, तो देखो हम लोग को सबको बहुत ज्यादा हम लोग भुगत के बैठे हैं, भाई से बदला लेना सुबह से भरे बैठे। आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। मुझे भी नचा दिया उन्होंने आज, हमको और नचाएंगे बताओ। वो तो बनता है क्योंकि आप जीते हो। माइंड बदल लूंगी। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। शाम को आपको सबको कॉफी बना के देनी है या पूछना है से आप नॉर्मल पूछते हो, बहुत सारा नमक डाल देना है, कुछ पेट में बहुत नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा डालना होगी ना। हाँ, और ऐसा नहीं हो कि वो अंदर की मोहब्बत जाग जाए। नहीं नहीं नहीं, अभी बदला लेना है उसके लिए। बाद एक अच्छी वाली चाय मैं खुद बना के पिला दूंगी। भाई वाले का दोनों साइड हो जाती है।
यही तो फायदा है, कभी पलट के इधर कभी उधर, दोनों तरफ से मजे लो। और कांग्रेचुलेशन अवार्ड के लिए, अभी बहुत सारे अवार्ड मिलने वाले, घर जाके खूब सारी मस्त वाली पार्टी करेंगे, बच्चा पार्टी की तो ताज में और हम लोग घर पे भी करेंगे। मेरी आंखों का कलर ऐसा क्यों दिख रहा है ग्रे सा? फ्रेंड्स आप लोग बताओ मेरी आंखों का कलर क्या है, मेरी आंखों में देखो, पूरी दुनिया मेरी आंखों में आंखें डाल के देखेगी। अभी गोल्डन तो देखे, देख मुझे कल जाना है, कल से पहले दोस्ती कर ले प्लीज, मैं पीछे लाऊं। आपने एक ढंग की चीज ना खाई है ना पी है, बस हो गया। आप चाय नाचो, नाचो, चाय भी होगी, नाचो पहले, चाय भी होगी सबके साथ तो, नहीं सुनो भाभी उनको शक मत पैदा कर, मैं शक नहीं होगा, मैं ऐसे टोकती रहती। ये शोएब की है क्या? नहीं उनका बना के दूंगा। हाँ शोएब का बना दो और भजिए भी निकाल दो। भाई को बताने जा रहा हूँ। बेटा तुम्हें अगर बताया ना, मैं कसम से कह रही हूँ, मैं कल यहाँ से वहाँ तक तेरी नाक लाल करा के तुझे गाड़ी में सामने बिठाऊंगी, तेरे बैडमिंटन की कसम। तू शोएब को कुछ नहीं बताएगा। नहीं ये छोड़, ये छोड़। रेहान ये क्या होता है? कोई नहीं, वो होता है सारा पकड़ना से। बैडमिंटन की कसम है, हो गई हो गई हो गई। नीचे नीचे बंद नहीं रेहान, हाँ जा नहीं, हाँ तेरी एकेडमी बंद। रुको आप तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पे लास्ट डे है और अभी लास्ट डे और क्या, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, किस चीज का? चाय और पकौड़े। चाय जो है वो बन चुकी है और अभी भाभी करेंगी अपना काम। मतलब देखना है लेने से जस्ट पहले ना बोलो, क्यों लेते हो भरोसा है ना? नहीं बोलूंगा। ये अम्मी औरों का बदला, ये सबा का बदला, ये भी ना बोलो। तौबा तो यार, शहर के साथ धोखा। क्या करवा रहे बच्चे मुझसे? ये लिपस्टिक मंगाई ना उन्होंने, लिपस्टिक टूटी ना तो देखना, लिपस्टिक तोड़ना ही मेरी। अम्मी निकाल दो मुझे बच्चे। देखिए भाई की चाय जो है वो आके रख गई है, अब बस इंतजार है कि वो कब इसको उठाएंगे और पिएंगे। देखिए उन्होंने यहाँ पे उठाई और हमें लगा बस जिस चीज का मौका था वो मिल चुका है, लेकिन उन्होंने तो फिर वापस रख दी। अब लगा फिर उठाने जा रहे हैं लेकिन पकौड़े उठाए। अच्छा मिर्ची भी है। ये हमारा पहला अटेम्प्ट जो कि फेल निकला, देखिए क्यों। दो चम्मच दो। हाँ फट गया, रुक लो, रुको रुको मैं लेके आ, दूध फट गया, चाय तो बना दिया। ज्यादा डाल दिया, नमक बहुत ज्यादा डाल दिया। नहीं आपकी गलती नहीं है, वो हम लोग ने नहीं 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 वो आपकी गलती नहीं है। पहले जज्बात में आके तीन चम्मच डाले तो दूध ही फट गया। अभी मैं एक ही चम्मच डालूंगी और अभी मैं बल्कि अच्छा एक मुझे बहाना मिल गया कि मुझे टेस्ट करो ना, देखो अभी सही। चलिए हम चाय होगी विशाल तुम्हारी ना, चाय नहीं कैसा लगा? पहले बार की कैसी थी? फटी हुई थी, क्यों पहली बार भी ऐसी थी? तीन चम्मच नमक डाल दिया था तो वो फट गया, पता ही नहीं चला। और एक बार आपने मग उठाया ऐसे ना एकदम, मुझे बॉलीवुड मूवी याद आ गई थी, डेडिंग डेडिंग मग उठाया, मैं यहाँ से देख रही हूँ वापस रख दिया, मिला रही यार। और ये कंटिन्यूस थ्रेड था, ये आया मजा। तुम बचो बेटा, अब ओपन चैलेंज, आज रात में कल जाने से पहले तुम्हें का नाम मैंने डराया। मिलके धोखा हुआ है, शिवर कर रहे हो कि अब पिएंगे, अब पिएंगे। लाल मिर्ची नहीं डाली, नहीं थोड़ा लाल मिर्ची भी डालते हैं। अरे आपको पहले पूछना चाहिए। हरी मिर्ची के बीजे निकालो, अब बीजे निकालो, थोड़ा बहुत कर लो, नमक तो डालो, तो मजा नहीं आएगा। नमक
सकते हैं मिर्ची की? किलो क्या मिलते हैं आप इसमें? नहीं जिद्दू करना चाय के लिए आप क्यों नहीं समझे? ये मुझे आगे बोलती है भाभी इतना उनको जाहिर मत करो। अब तक तुम इस प्रैंक से बचती हुई हो मेरे शराफत में छोड़ दिया, दिल कमजोर है बेचारी। अब रुको बेटा तुम रुको तुम देखो मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी प्लीज। बदला लिया जाएगा। को इसने भी आटा खिलाया था ना केक में अंदर भर के बताओ। लेकिन पापा आटे के भी अगेंस्ट थे। मैंने दोपहर में पूछा था तो पापा ने बोला गलत किया नुकसान करेगा। आटा बोली मुझे भाई आप पे प्रैंक करना इजी नहीं था। मतलब सबकी रात हो गई आज नींद में, नींद मैंने हराम ना की ना सबकी। पूरी करता धरता आप है। कारी बाबू कह रहे थे मिर्ची डालो और ये क्या कह रही थी क्या डालो? बीजे डालो डालो तो अच्छी तरह डालोगी थोड़ा मजा आएगा। हार ने भी साथ दिया। शानू भाई मैं आपको बताने आ रहा था लेकिन लोगों ने रोक दिया। शानू भाई अब एक कदर की रात ये शुभ रात की रात सोएंगे नहीं तो फिर कहां चल निकल जाएंगे वहां विदाउट शक्कर है। लाम डाल दे शक्कर भाई हम ले लेंगे। मेरा भाई मेरा दोस्त तूने साथ नहीं दिया मेरा इस बार। मुझे क्रॉस फिंगर करवा दिया था मैं तो इतना कदम भी नहीं खा रहा था। इन दोनों ने मुझे धोखा में बांध दिया। पिछली बार तो बता दिया तूने मुझे। क्या बता दिया था? सवाल अंधेरे में इसने वो सवाल बता दिया था। सच बताओ पूछा गया बता दिया। बनवाइए क्या? नहीं पी के तो दूंगा अभी चाय पीनी नहीं है पकड़ ये ले। नहीं पीनी नहीं है चाय स्मेल ही नहीं आ रही उसमें चाय में अभी। ये हो क्या रहा है आप उनकी टीम में जा रहे हो? भाभी इतने आराम से मैं इब्राहिम फैमिली के बिन पेंदे की लोटी हूँ। मुझे जहाँ मन करता है मैं वहाँ। अब मुझे डरना नहीं है ना रात में मुझे खुद को सेव करना है। सब मुझे भी अपनी टीम में ले लो। मैं कुछ नहीं कर सकती। खोलो ना ये अंदर वॉशरूम था। फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे हम 3 दिन यहाँ पे थे 4 दिन यहाँ पे थे। हम मुझे इसका हम फाउंडर मैं हूँ। हाँ तो अभी 2 मिनट बताने दो। हम लोगों को लग रहा था कि वॉशरूम नहीं हमारे रूम में और इनके रूम में भी नहीं था तो हम लोग कॉमन वॉशरूम यूज कर रहे थे। आंटी के रूम में जा रहे थे रात में भी हम लोग डर के मैं तो जाती ही नहीं थी। मतलब वॉशरूम अगर आ रही होती थी तो अब कौन अपने रूम से बाहर निकलेगा। सब सो गए। अभी रेहान ने इसे खोला पीछे लग रहा था अलमीरा है और देखा तो अंदर वॉशरूम निकला। इस बार एक भी नमाज कजा नहीं हुई माशाल्लाह। अम्मी भाई डराएगा रात में क्या करे? कुछ नहीं उसी यार रहा बस। इस वक्त अम्मी और आंटी सब लोग मिलके अपना पिछला अंताक्षरी वाला व्लॉग देख के हंस रहे हैं। देख गया जात ने देखा ना जो भाई पे प्रैंक तो कर ही दिया है लेकिन भाई बदला ले रहे हैं सबसे और बहुत ज्यादा हम लोग डरे हुए हैं तो चेक कर रहे हैं कि सोने से पहले कि कहीं कुछ छुपा के तो नहीं रखा है। उन्होंने लॉक कर दिया है। सोनू ने लॉक कर दिया दरवाजा वहां से खुला है। ये क्या गड़बड़ घोटाले चलो वहां से भागेंगे जैसे ही अपन बाहर तो बाहर कोई बैठा होगा। रुको अभी वहां से चल रहे हैं। दरवाजा लॉक हो गया। दरवाजा क्यों लॉक किया भाई? बोलो कि यही प्रैंक था कि कोई प्रैंक नहीं था। बार बार तुम लोग बात क्यों कर रही हो? नहीं कर रहा ना कुछ नहीं कर रहा कुछ जा सो जा कर भी तो सकते हो। आराम से जाओ 12 बज रहा है सो जा सो जाओ। पता नहीं यार मैं अगली बार तुम लोगों के साथ कोई प्रैंक नहीं करूँगा के लिए। सॉरी भाई सॉरी। तो अपन यही बैठे रहेंगे हैं फ्रेंड्स। अगर मुझे हार्ट अटैक पड़ा तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। आई है पूरी टीम और एक ये भी। अंकित क्या करके आए हो? अंकित क्यों हंसी बता रही थी? आंखों में कह दिया हो गया काम। भाई अंदर तो आ जाने दो। अरे अपन भी ना कर दे हम मत जाओ हमने जा रहे हैं। सब सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मम्मी आओ बाहर आ जाओ। डर लग रहा है बाहर आ जाओ। डर लग रहा है। हम लोग के रूम में चले हम लोग। हाँ ये रूम ही छोड़ दे। भाभी उनके टीम में चली गई। भाभी को बुला गला तुम बुलो भाभी को। डर गई है वो कह रही है कि तुम मुझे अपनी टीम में ले लो। मैंने हार मान ली। उसी ने चम्मक करना चाहिए।
नफसी नफसी का आलम है भैया। आंटी ने भी पहले कह दिया कि भैया मेरा दिल कमजोर है, मुझ पे नहीं करना, वो अपना जाके सो गई। बच्चे कौन बलिगा बकर तुम तो, ये तो मैं डरा रही हूँ ना जा। मैंने अब कोई रूम में जाऊंगी, मैं ही सोऊंगी यार, मत करो। इतना खुला रखो कारी मामू, ये लॉक है, अब रखवाली कर लो, आज आप दरवाजे में बैठो। आएंगे तो यहीं से। हाँ। तो हल्ला मचाइए तो मैं बैठा हूँ, कुछ बिकी है तो मैं बैठा हूँ। कबर्ड खोला, कोई छुपा तो नहीं है? भाई अम्मी शाम से नहीं दिख रहा है, तो देखना पड़ेगा। कबर्ड खोलो, गलत कर रहे हैं, खोल के देख लो। मैं भला आई है इस वक्त ना, वो भाई के ब्लॉग में जो आया ना, वो सब हो चुका था, फैल गया। अभी हम लोग इतना डरे हुए, थके हुए सो रहे हैं, प्रैंक जो था वो हो चुका है, थोड़ा रो भी लिया, डर भी लिया, लेकिन जो भी है मजा। घर जाके कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा? इस बार बड़ों ने बच्चों से मस्ती की, इसलिए बड़ों को मन करा है यहीं पे। अच्छा, आपको आज पता चला है तुलसी? हाँ, है जब मैंने देखा और मैंने को तुलसी तो ये लगी है। अच्छा, आपको खांसी है ना? अमरूद तोड़े, सी तोड़ी, और क्या करिया, केरी तोड़ के लाई थी सारी, यहाँ कच्ची यहाँ लगी है। देखो। अच्छा, घर जाके तुम्हें एक चीज दिखाएंगे, पता चल गया है केरी है, हमने बताया ना। चलो घर जाके दिखा देना। आलू को फोटो भेज रही हो क्या? नहीं, अभी देख रहा है। तो कल रो चली थी, मोर दिल अब हाथ की जाते कि बंद करवा जल्दी। फ्रेंड्स, ये देखिए लोनावला के अमरूद कैसे हैं। तो सच में ये बिना बीज के पापा को दे देंगे? ये वाले अमरूद कारी मामू ने बाहर पेड़ से तोड़ के लाए, कितने अच्छे है, क्यूट से। नहीं नहीं, बच गए। हाँ, ये है ओरिजिनल, केरी। बस ना कर खाला, आ जाओ, ये तुम खाओ जो सबसे अच्छी देख। इतनी अच्छी है, ये सारी चीजें हमें कभी भी नहीं देखने मिलती है। पेड़ से तोड़ के खाओ और एकदम एकदम ताजी वाली, फ्रेश वाली और रियल वाली अमरूद। और जी, थैंक यू कारी मामू, कच्चा वाला मुझे भी एक रखना। कैसे मीठी? हाँ, ये कोई दूध वाला है करी। चीकू कच्चा है अभी। अलमारी गोदरेज कपड़े जमाओ। बेटी देखो तो, बेटी सच में ने भी बनाया है, बनाने वालों की इतना, ये डिजाइन बताने वालों की तारीफ। कितने जैसी वो वैसी के, अब इसमें तो नहीं है कुछ। आंटी बाय, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, जल्दी से आना, हम लोग फूलमा में मिलेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब कुछ। बाय कह दो हमें, नहीं बाय कह दो बेला को, बाय कह दो, हम तो साथ में चल रहे हैं। कैसे सही है? अभी फिर से ऊपर घर के काम बुला लीजिएगा भैया पेमेंट के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे ट्रिप जो था वो बहुत अच्छा रहा। मॉल पहुंच गए हैं, यहाँ पे सबको थोड़ा बहुत कुछ खाना था और कुछ कुछ लेना था, तो चलिए चलते हैं। काफी अच्छा सा स्टोर था, बहुत सारे ड्राई फ्रूट से अलग अलग तरह के इम्पोर्टेड चॉकलेट्स थी, सऊदी के डेट्स थे और काफी सी चीजें थी जो हमें यूजुअली यहाँ नहीं देखने मिलती है, और चॉकलेट्स की भी बहुत सारी वैरायटी थी, तो इसलिए सोचा चलो कुछ देखते भी हैं, कुछ ले भी लेते हैं। बस वो सारी चीजें ली, वहाँ से निकल गए। फिर खाला लोगों को पीना था जूस, तो उनके लिए भी हम यहाँ से जूस ले रहे हैं, जूस ले लिया है। पीना था वो हो गया, जो लेना था वो हो गया। सारे लोगों के बैठने में भी कितना टाइम लगता है। किस्मत वालों की होती है फैमिली। माशाल्लाह, कितनी देर से यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लोनावला को मजा ले लिया, ट्रैफिक का मजा कैसा लगा? बहुत बुरा लग रहा है। घर आ गए फ्रेंड्स, ये सूटकेस भी अपना नहीं, एकदम सादा सा डिनर हो रहा। मम्मी क्या बनाया है? चटनी, प्याज की चटनी, बंगला से तोड़ के छोटू वाली। हाँ,
हम लोग लोनावला से बहुत सारी मजेदार छुट्टियां बिता के घर आ गए हैं। घर पे आराम से अब यहाँ पे खाना खा रहे हैं, ये वीडियो को एंड कर रहे हैं। आगे अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है रमजान के लिए, उसकी तैयारियां स्टार्ट करेंगे, आपको ऊपर का घर फाइनल भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। अभी के लिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाओ चैनल को, आगे बढ़ाओ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्दी।